गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज की क्लास में बेटा, जो पिछली क्लास में दिया था आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आगे का इसके दो लेक्चर आपने देख रखा होगा, या एक लेक्चर बेटा इसका अभी बनाया गया, दूसरा आप देख लेंगे, और जो भी पीछे इसके रिमेनिंग पार्ट बचे हुए आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है कोई चीज़ बेटा समझ में, तो आप मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको, हमें भी आसानी हो देखने में। कुछ बच्चों की बेटा प्रॉब्लम थी कि वो बोर्ड पर नहीं पढ़ाया जा रहा है। बेटा अभी आप पढ़ लीजिए, अभी आप इसको देख लीजिए, क्योंकि आप बच्चे क्लास के बच्चे हैं, तो मैं क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो बेटा हमें देखना क्या था कि प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट ब्रीडिंग बेटा ये किसके लिए? रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट से बचने का क्या तरीका है, कैसे बेटा हम लोग बच सकते हैं या इंसेक्ट को बचा सकते हैं, तो इसमें कुछ मेथड दिए गए हैं या मार्फोलॉजिकल, इसको हम लोग बेटा ऐसे समझ लें कि मार्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर ले कोई प्लांट अपनी बॉडी में, या ह्यूमन के द्वारा किसी प्लांट के बॉडी में ऐसा कुछ चेंज कर दिया जाए, जिससे उसमें प्लांट, उस प्लांट में इंसेक्ट अटैक ना कर सके, तो क्या करना पड़ेगा? पहला बेटा हमें ये पहला पॉइंट इसमें जो देखा जाता है वो मार्फोलॉजिकल चेंजेस किया जाता है। और वो मार्फोलॉजिकल चेंजेस कौन से हैं? तो मार्फोलॉजिकल चेंज बेटा पहला दिया गया है क्या कि लीव्स कैसा होना चाहिए? हेयरी होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी काटन प्लांट की बात आप करते हो, तो काटन प्लांट्स में जो लीव्स होंगे, अगर ये बेटा हेयरी हो जाए, हेयरी का मतलब ये कि पूरा का पूरा उस पे लीव्स पर हेयर हेयर दिखाई दे देंगे, तो इंसेक्ट बेटा हेयर को क्रॉस करके उसके सरफेस पर नहीं पहुंच पाएगा या बहुत कम पहुंच पाएगा, एक काम ये हो सकता है। दूसरा बेटा क्या किया जा सकता है कि जैसे सिरल लीफ बेटल है, ये वीट के प्लांट पर, वीट में भी क्या होता है, इनका अटैक हो सकता है, तो अगर वीट से बचने का है उसमें भी क्या होना चाहिए? हेयरी लीव्स हो जाना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर मार्फोलॉजिकल चेंजेस में फर्स्ट दिया गया है हेयरी लीव्स। तो हेयरी लीव्स जो होते हैं रेजिस्टेंट टू जायसिड, किसके द्वारा होगा ये? जायसिड इन अ काटन एंड बेटा सीरल लीफ बेटल इन अ वीट, ठीक है। दूसरा चेंजेस फिर आता है, अगर हम लोग कह सकते हैं कि स्टेम, वीट का स्टेम सॉलिड हो जाए। स्टेम का मतलब बेटा क्या? नोड और इंटर नोड। नोड और इंटर नोड अगर क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, तो उसमें क्या नहीं कर पाएगा ये स्टेम साफ लाई, ये इंसेक्ट है या बेटा पेस्ट है, ये इसमें अटैक नहीं कर पाएगा, एक कंडीशन हो गई। तीसरी बेटा कंडीशन यहाँ पर दिखाया रहा है कि स्मूथ लीव हो जाए, जो कि नेक्टरलेस लीव हो, बेटा स्मूथ लीव हो, सरफेस एकदम क्लीन हो, साफ स्मूथ हो, और उसमें क्या ना हो? नेक्टर ना हो। अगर नेक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? एक बड़ा एडवांटेज क्या है? अगर नेक्टर नहीं होगा तो इसका एक एडवांटेज ये होगा कि क्या नहीं कर पाएगा वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डू नॉट अट्रैक्ट किसको? बोलवॉर्म। चौथा देखो, ये पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा ये मार्फोलॉजिकल चेंजेस हैं। इंसेक्ट से बचने के लिए प्लांट में क्या किया गया? मार्फोलॉजिकल चेंजेस किए गए। दूसरा, हाई एस्पार्टिक एसिड एंड बेटा लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर कंटेंट इन अ मेज। अगर मेज में, किसी मेज के प्लांट में एस्पार्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बेटा ज़्यादा हो जाए, मतलब एचडी कंडीशन हो जाए, लेकिन शुगर का कंटेंट या नाइट्रोजन का कंटेंट कम है, तो जिसके कारण डिकम्पोजिशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं बेटा। ऐसा इसलिए कि जैसे शुगर है तो शुगर जल्दी डिकम्पोज होगा, तो अगर उसके अंदर शुगर कम है तो डिकम्पोजिशन कम होगा। अगर डिकम्पोजिशन कम होगा तो किसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा? मेज स्टेम बोरर के लिए। क्लियर बेटा इतना? तो चलिए, प्लांट डिजीज फर्दर डेवलपिंग ये हो गया। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सब क्रॉप वेराइटी या ब्रीड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। बेटा आपके यहाँ एक टेबल बनाया गया है,
इस पूरे टेबल को हम लोग समझ लेते हैं। ब्रैसिका जिसको बेटा रैपसीड बोलते हैं या मस्टर्ड बोलते हैं, पूसा गौरव और एफिड, ये ब्रैसिका की बेटा ये वैरायटी मानी गई है और ये इसके लिए इंसेक्ट पेस्ट है। ये फ्लैट बीन इसके लिए पूसा सेम टू और पूसा सेम थ्री, ये जैसिड एफिड एंड फ्रूट बोरर के लिए बेटा ये है। तीसरी कंडीशन है ओकरा या भिंडी, पूसा सामनी, पूसा ए फोर, शूट एंड फ्रूट बोरर। तो चलो बेटा इसको हम लोग एक सिंपल सी स्टोरी के फॉर्म में अगर समझ लें, देखो ये टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा और क्योंकि क्वेश्चन कुछ बनते हैं तो आप उसको आ जाए एक सिंपल सी स्टोरी से आप समझ लेते हैं, अगर समझ लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बेटा एक छोटी सी स्टोरी है, उसको ध्यान से सुनो। ब्रैसिका एफिड दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ब्रैसिका एफिड दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ब्रैसिका का गौरवशाली इतिहास था, मतलब बेटा इसकी जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी, गौरवशाली था। ये बात एफिड को पसंद नहीं थी तो ये जैसिड फ्रूट बेरर के साथ मिल करके उसको फ्लैट करने के चक्कर में उसके सेमेस्टर 3 में उसको क्या किया, फ्लैट करने की कोशिश किया। फ्लैट का मतलब एक उसे डिफीट करने की कोशिश किया। इन लोगों ने क्या किया कि ओकरा सावनी नाम के एक प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, इन लोगों ने इनमें फ्रूट बोरर ने A4 साइज के पेपर पर एक लेटर लिख करके किसको दिया, ओकरा सावनी को। बट ये बात किसको पसंद नहीं थी, ये बात बेटा फ्रूट बोरर को पसंद नहीं आई, उसने क्या कर दिया, उसको शूट कर दिया। शूट करने का मतलब ये कि इसको किल कर दिया। फिर से बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी स्टोरी है, अब इसको समझ लें क्योंकि याद होना ही है। जैसे ब्रैसिका एफिड दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, ब्रैसिका का गौरवशाली इतिहास था बट उसको ये बात एफिड को पसंद नहीं थी। फ्रूट बोरर और जैसिड के साथ मिल करके सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में डिफीट करने की कोशिश किया, तो फ्लैट करने की कोशिश किया। ओकरा सावनी नाम के प्रिंसिपल थे कॉलेज के, इन लोगों ने क्या किया कि A4 साइज के पेपर पर क्या किया, एक लेटर प्रिंसिपल साहब को दिया। बट फ्रूट बोरर को ये बात पसंद नहीं आई और उसने क्या कर दिया, शूट कर दिया। ये पूरे वैरायटी किसकी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी बेटा ये डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट पेस्ट। आप इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए फिर बेटा देखते हैं इसमें प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। अब हम लोग फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने चल रहे हैं, अभी तक डिजीज से बचा रहे थे, इंसेक्ट से बचाया, पेस्ट से बचाया, अब न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाना है। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड है, मोर देन 880 मिलियन पीपल डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड। बेटा उन्हें प्रॉपर सप्लाई फूड की नहीं हो पाती है, मीन्स ऐसा कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में इतने लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर 2 जून भोजन या 2 जून रोटी जिसको आप बोलते हैं उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इनमें से 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम द माइक्रो न्यूट्रिएंट बेटा प्रोटीन एंड विटामिन डिफिशियंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन हंगर। बेटा हिडन हंगर का पॉइंट आप समझ लो, हिडन हंगर का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी पर्सन को अपने कॉमन आसपास लोकल ढंग से आप देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है, लोगों को दाल रोटी मिल जाती है, दाल चावल खा लेते हैं, मींस वो जो जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी मिलनी चाहिए ये तो मिल गई, मान लीजिए जिंदा रहने के लिए उसने खा लिया। बट बेटा डिजीज से लड़ने की क्षमता के लिए हमें क्या चाहिए, मिनरल चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ये प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ये वेजिटेबल में मिलते हैं,
फ्रूट्स में मिलते हैं, तो जनरली जो मोर देन 300 या 3 बिलियंस पीपल हैं इनको प्रॉपर ढंग से वेजिटेबल नहीं मिल पाता है या प्रॉपर ढंग से फ्रूट नहीं मिल पाते हैं। तो ये अगर ऐसा नहीं है तो वो डिजीज से लड़ने की जो उनकी क्षमता है या इम्यूनिटी है बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, और इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं क्या है, हिडन हंगर। क्या बोलेंगे? हिडन हंगर। हिडन हंगर की वन वर्ड डिफिनीशन आप जान लो कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की, प्रोटीन की या विटामिन की डिफिशियंसी होती है तो इसको कहते हैं हिडन हंगर। ठीक है, एक कंडीशन और भी हो सकती है कि क्या आदमी खाने के लिए नहीं पाता है, हाँ मिल सकता है, मीन्स वो दाल चावल खा सकता है या सब्जी चावल खा रहा है, मीन्स बेटा उसे जो मिनरल न्यूट्रिएंट चाहिए वो अगर उसे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वो डिजीज से लड़ने की क्षमता उसकी कमज़ोर होती जा रही है, यही कहलाएगा हिडन हंगर। इसी को बचाने के लिए, इसी को बड़ा इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ कंडीशन लेके आया, कुछ चीज़ें लेके आई, जैसे साल्ट है तो साल्ट में उन्होंने आयोडीन की डिफिशियंसी को पूरा किया, साल्ट में बेटा आयरन को डाल दिया। अब देखो जैसे मान लीजिए कि मुझे वीट बनानी है, वीट में जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ बेटा प्रोटीन भी मिल जाए, अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाए, तो इसका मतलब है कि हम लोग वीट के खाने से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिल जाएगा। या राइस है, राइस में आयरन को ऐड कर दिया जाए, राइस में विटामिन को ऐड कर दिया जाए, तो ये चीज़ें बेटा कहलाती क्या हैं, इसको बोलते हैं बायो फर्टिफिकेशन। क्या कहलाता है? बायो फर्टिफिकेशन। आइए समझते हैं बेटा बायो फर्टिफिकेशन को। देखिए, ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर बेटा हम हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट को ऐड करें, अगर हम न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं किसी भी प्लांट्स में, किसी भी क्रॉप में, तो ये कहलाएगा बायो फर्टिफिकेशन। तो मकसद आपको क्लियर हो चुका होगा, बायो फर्टिफिकेशन करने का मकसद ये था किसी क्रॉप में जिस चीज़ की उसमें कमी हो उसमें हम उसको ऐड करके वो मार्केट में या लोगों के लिए अवेलेबल करा दें, यही कहलाएगा क्या, बायो फर्टिफिकेशन। बायो फर्टिफिकेशन में इट हेल्प टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। बेटा इसमें देखिए आगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीडिंग फॉर द इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी। बेटा इसका मकसद क्या है? मकसद है प्रोटीन, किसी भी पर्सन को इम्प्रूव्ड प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी मिलनी चाहिए, अच्छी प्रोटीन मिलनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलना चाहिए, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी मिलना चाहिए। तो बेटा ये, या आयल कंटेंट और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, या बेटा आप कह सकते हैं विटामिन का कंटेंट होना चाहिए, या माइक्रोन्यूट्रिएंट है मिनरल के कंटेंट अच्छे से होना चाहिए, हाई लेवल के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छी क्वांटिटी का होना चाहिए। अगर ये होगा तभी हम लोग किसी भी गरीब पर्सन को या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ऐसे पर्सन के लाइफ को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट लोग थे प्रयास कर रहे हैं क्या क्या करना है, तो ये चीज़ें बेटा ये ऑब्जेक्टिव है, ये मकसद है, ये किया जा रहा है। अब ये अगर ये किया जा रहा है तो कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे बेटा यहाँ पर है विवेक हाइब्रिड 9, यहाँ पर QPM वर्जन ऑफ विवेक हाइब्रिड 9 है, मतलब मेज हाइब्रिड मेज है, हैविंग ट्वाइस द अमीनो एसिड। बेटा क्या यहाँ पर एक वर्ड देखो, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड। बेटा यहाँ पर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड, वो भी कौन सा? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड। मतलब बेटा ये मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाऊँ तो आपको आ जाएगा। देखिए क्या, जब हम लोग जब इंडिया में बहुत ज़्यादा बेटा महामारी थी, जब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि वीट राइस ये सब नहीं था, तो ऐसे कंडीशन में मेज मक्का ही लोग स्टेपल फूड के फार्म में बेटा लेते थे। मक्का इसलिए लेते थे क्योंकि मक्का बेटा पानी के बिना भी सर्वाइव करता था, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में भी सर्वाइव करता था, वहाँ से उसकी पैदावार बनी रहती थी, लोग उसी को एज ए स्टेपल फूड लेते थे, मतलब लंबे समय तक वही खाते रहते थे, जिसके कारण उनमें, क्योंकि बेटा जो मक्का होता है ना, नॉर्मल मक्का होता है उसमें ट्रिप्टोफैन या लाइसिन अमीनो एसिड नहीं पाया जाता था, तो लोग क्या खा रहे हैं, मक्का खा रहे हैं, लेकिन उसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की कमी हो जाती थी, और जब बेटा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की कमी होती थी तो इसका एक और डिसएडवांटेज होता था,
यहाँ से विटामिन बी थ्री की कमी हो जाती थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं किसी भी पर्सन में जो भी मेज कंटिन्यूस खाता था उसमें पिलाग्रा डिजीज हो जाता था, उस विटामिन की कमी हो जाती थी। कौन सी विटामिन की? बी थ्री की कमी हो जाती थी। बट इससे बचने का क्या तरीका ढूंढा गया बेटा? इससे बचने का तरीका ये ढूंढा गया कि ऐसा कुछ किया जाए कि हाइब्रिड मेज में दो गुना लाइसिन और ट्रिप्टोफैन आ जाए, जिससे क्या हो जाएगा कि जो लोग पिलाग्रा डिजीज से मर रहे थे, लाइसिन आर्जिनिन बड़ा नाम सुना, हिस्टोन प्रोटीन का बेसिक अमीनो एसिड है ये, तो ये डीएनए बनाने में भी हेल्प करता था, तो ये अच्छे ढंग के डीएनए के कंटेंट बने। आगे बेटा दूसरा देखिए, वीट की वैरायटी है जिसको हम लोग बोलते हैं एटलस 66। कौन सा बेटा? एटलस 66। ये ध्यान में रखना, ये सब इम्प्रूव्ड फूड वैरायटी हैं, हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट। बेटे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि वीट है या राइस है, चाहे देखो वीट एंड बेटा राइस दोनों में क्या रिच होगा? दोनों में कार्बोहाइड्रेट रिच होगा। अगर दोनों में बेटा कार्बोहाइड्रेट रिच होगा तो कार्बोहाइड्रेट तो होता ही होता है ना, कार्बोहाइड्रेट तो होता ही होता है। उस कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अगर हम उसमें हाई प्रोटीन के कंटेंट को ऐड कर दें, हाई प्रोटीन के कंटेंट को अगर हम लोग ऐड कर दें, तो इससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल जाएगा। ये बेटा कौन सी वीट की वैरायटी है? एटलस 66, जो आपको याद रखना है। एटलस 66 किसकी वैरायटी है? तो आप कहोगे इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ द वीट। नाइस बेटा, आगे आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी, मतलब कि अब क्या किया, कंटेनिंग ओवर 5 times as much आयरन इज कॉमन वैरायटी। जनरली बेटा क्या होता है, अब राइस में भी आपने पढ़ा कि राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, आयरन नहीं होता है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि राइस में किसको ऐड कर दिया जाए, राइस में बेटा हम लोग आयरन को ऐड कर दें, तो जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन के साथ साथ बेटा क्या कहेंगे, आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी। लगभग कितना गुना? 5 गुना आयरन के कंटेंट बेटा मिल जाते हैं। तो और आपको ये पता है कि इंडिया में मोर देन 50% या आप ऐसे कर सकते हैं कि जो हम लोग की आधी आबादी फीमेल है और जो गांव की में रहने वाली फीमेल हैं उनमें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी पीरियड में वो सब क्या हो जाती हैं, इनेमिक हो जाती हैं। इनेमिक होने का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि जनरली बच्चा भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, खुद मदर की सेहत भी गड़बड़ होती है। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया या हम लोगों के साइंटिस्ट ने एक अच्छा काम किया, क्या कि किसके साथ, राइस के साथ ही आयरन को ऐड कर दिया जाए, एक काम ये हुआ। बेटा आपने नाम सुना होगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होता है भाई? अगर राइस में विटामिन ए को ऐड कर दें, किसको ऐड कर देंगे, विटामिन ए को विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कॉल्ड द गोल्डन राइस। अगर कहा जाता है गोल्डन राइस क्या है, तो गोल्डन राइस का मतलब होता है विटामिन ए किसके साथ है, राइस के साथ। क्लियर है ये? चलो ये बेटा मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर चेंज, ये तो हम लोगों ने बेटा किस में चेंज किया, सीरियल्स में चेंज किया, अब हमें कहाँ पर कुछ वेजिटेबल में भी कुछ फ्रूट्स में भी चेंज करने हैं, तो आइए बेटा वेजिटेबल में चेंज करते हैं। वेजिटेबल क्रॉप रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। बेटा ये बात एकदम हकीकत है, एकदम सही है कि वेजिटेबल में विटामिन और मिनरल्स बहुत भरे होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं या अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। तो मैंने पहले भी कहा बेटा कि जब जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिसको हम लोग बेटा कह सकते हैं, या जो काफ़ी बड़ा जिसकी दयनीय स्थिति है, उनको क्या नहीं मिल पाएगा, सब्जी वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनमें हिडन हंगर आएगा। उससे बचने के लिए बेटा क्या किया गया, देख लो वेजिटेबल में क्रॉप इन विटामिन रिलीज बाय द इंडियन एग्रीकल्चर राइस सॉरी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, जो कि बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर है IARI। क्लियर बेटा ये हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, विटामिन ए इनरिच्ड, इनरिच का मतलब क्या किया बेटा, विटामिन ए को बढ़ाया, कंटेंट बढ़ाया, इनरिच किया, किसमें, कैरेट में,
गाजर खाने से बेटा विटामिन ए मिलता है, आप पढ़े हैं। ये है स्पिनच, पालक जिसको बोलते हैं, पंपकिन है, इनमें क्या मिलता है, इनमें ही तो बेटा विटामिन ए मिलता है, और बढ़ा दिया गया कंटेंट को। अब देखते हैं विटामिन सी, देखो इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, सी पी एस का मतलब बेटा कैरेट, स्पिनच एंड पंपकिन हो जाएगा। विटामिन सी, विटामिन सी में बेटा जो एग्जांपल होगा वो क्या हो जाएगा, बिटर गार्ड जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्या करेला कह सकते हैं, बथुआ हो गया, मस्टर्ड हो गया एंड टमाटो हो गया, इनमें विटामिन सी हो जाएगा बेटा। विटामिन, फिर इसके बाद आयरन को देख लेते हैं, आयरन और कैल्शियम किस में ज़्यादा पाया जाता है, ये स्पेनच में पाया जाता है, पालक में, बथुआ में। बथुआ बेटा उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है बथुआ। बथुआ में आयरन और कैल्शियम दोनों होता है। प्रोटीन रिच बेटा बीन, बीन का मतलब क्या हो गया, सेम वगैरह, जैसे ब्रॉड बीन है, लबलब है, फ्रेंच बीन है, गार्डन पीज हैं, इनमें क्या होता है, इनमें बेटा ये प्रोटीन इनरिच होते हैं, तो हमें आयरन इनरिच ये चीज़ों में भी क्या करना था, इम्प्रूव करना था। तो फिर से देख लो, सबसे पहले हम लोगों ने किस में चेंज कराया बेटा, हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ानी है तो सीरियल्स में बढ़ाया, सीरियल्स में मेज में देखा, मेज में जनरली क्या होता था, लाइसिन नहीं था या आर्जिन ट्रिप्टोफैन नहीं होते थे, तो बेटा उसमें डाल दिया गया, उसको इम्प्रूव कर दिया गया। दूसरा केस था वीट में, वीट में जनरली कार्बोहाइड्रेट होता था, उसमें एटलस 66 लेके आया गया, एटलस 66 में प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ा दिया गया। आयरन में जनरली आप ऐसे कह सकते हैं, राइस में जनरली बेटा आयरन नहीं होता था, उसमें आयरन को ऐड कर दिया गया, तो ठीक है आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटी बन गई। तो ऐसे ही वेजिटेबल में भी देख लिया, जैसे विटामिन ए हो गया, सी हो गया, आयरन एंड कैल्शियम रिच हो गया, बेटा ये बनाने में क्या किया गया, इसका इम्प्रूव्ड वेराइटी बनाते गए, जिससे लोगों तक आसानी से अच्छे न्यूट्रिएंट मिल सके, लोगों को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल सके। अब आता है बेटा, इतना सब करने के बावजूद भी लोगों को क्या नहीं मिल पा रहा था, फूड नहीं मिल पा रहा था, तो अब बेटा हमको ढूंढना पड़ेगा सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको बोलते हैं SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन में बेटा ये देखिए, नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको कहा जाता है इट इज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ द प्रोटीन फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। मतलब बेटा अल्टरनेट सोर्स का क्या मीनिंग है, अब देखो जितनी पॉपुलेशन तेजी से पूरे वर्ल्ड की बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हम बेटा फूड की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें हेल्प लेना पड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें उतनी ही एनर्जी दे, उतना ही प्रोटीन दे जैसे एनिमल्स देते हैं या जैसे प्लांट्स देते हैं। तो ऐसा कुछ करने के लिए हमें बड़ा रिसर्च करना पड़ा, क्या करना पड़ा कि वहाँ पर SCP मतलब सिंगल सेल प्रोटीन के सोर्सेज डेवलप करने पड़े, अल्टरनेट मेथड डेवलप करना पड़ा। इसमें बेटा पहला नाम आता है कौन सा, जिसका नाम है स्पारुलिना। स्पारुलिना को हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये देखो ये प्लांट है स्पारुलिना का, ये उसका आप उसको कह सकते हैं पाउडर बनाया गया है ये, और ये पेस्ट है बेटा। अब इसके बाद एक और जिसको हम लोग कह सकते हैं बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया बेटा मेथलोफिलस मेथलोट्रोपस बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया बेटा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा बायोमास प्रोडक्शन होता है। बायोमास प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती है। फॉर एग्जांपल बेटा देखो, 150 किलो की गाय 200 ग्राम प्रोटीन पर डे बेटा प्रोड्यूस करती है, 250 केजी की गाय 200 ग्राम केवल बेटा प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस करती है, लेकिन 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये बैक्टीरिया 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया 25 टन बेटा प्रोटीन पर डे बनाता है। अब आप समझ सकते हो कौन ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अगर बेटा एक गाय 200 ग्राम दे रही है तो 200 ग्राम कितने लोगों को प्रोटीन प्रोवाइड हो पाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम 250 ग्राम केवल 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करें, तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मेथलोफिलस मेथलोट्रोपस बैक्टीरिया, जिससे बेटा 25 टन प्रोटीन पर डे हमें मिल सकता है।
और मिल सकता है। एक अच्छी बात क्या है बेटा, एक अच्छी बात ये है, ये गार्बेज में डेवलप हो सकते हैं, ये मोलेसिस में डेवलप हो सकते हैं, ये इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। कैसे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखते हैं। बेटा ये रिच इन अ प्रोटीन मिनरल्स फैट कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन, इट इज अ ग्रोन ऑन द मटेरियल्स लाइक बेटा क्या, वेस्ट वाटर फ्रॉम द पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स। मतलब जैसे जहाँ पर आलू वगैरह है बेटा, आलू के चिप्स वगैरह बनते हैं, या शुगर केन है, शुगर केन के जो बेटा मोलेसिस निकलते हैं, मोलेसिस समझते हो ना, सीरा वाला पार्ट, काई वाला पार्ट जो निकलता है, वो क्या किया जाता है, उसको एक जगह छोड़ दिया जाता है, एक पानी के एक कंटेनर में डाल करके बेटा, या किसी खेत में उसको छोड़ दिया जाता है। उसी खेत में अगर हम बेटा क्या डाल दें, 250 ग्राम का ये आर्गेनिज्म डाल दें, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर वो तेज़ी से ग्रो करेगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है बेटा, वेस्ट वाटर में ग्रो करेगा, जहाँ पर पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं। पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट का मतलब जहाँ पर आलू, आलू से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं बेटा, वहाँ लगे हैं, उनसे निकलने वाले वेस्ट वाटर हो सकते हैं, स्ट्रॉ या मोलेसिस। मोलेसिस का मतलब होता है सीरा वाला पार्ट, एनिमल मैन्योर एंड सीवेज। तो जहाँ पर बेटा जनरली क्या होता है कि हम लोग गार्बेज बहाते हैं, सीवेज बहाते हैं, वहाँ पर हम इसको ग्रो करा सकते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। दिस इज आल्सो रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बेटा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करेगा। ठीक है, चलो, तो ये पूरा का पार्ट बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सिंगल सेल प्रोटीन का पार्ट। अब यहाँ से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आप हम, कौन सा, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बेटा देखो, एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया गया है, और लेकिन जितना दिया गया है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको बेटा आप लोग कुछ अपने ढंग से भी समझते हैं। आइए देखते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। बेटा टिश्यू कल्चर का मतलब पहले आप समझ लो, अगर हमें किसी टिश्यू को, टिश्यू का कल्चर कराना है तो बेटा क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये समझ लीजिए। हमें पर्टिकुलर एक टिश्यू चाहिए भाई, हम जिसका कल्चर कराएंगे, अगर हमें टिश्यू चाहिए तो वो टिश्यू कौन हो सकता है। अब टिश्यू होगा तो बेटा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है, एक्जिलरी बर्ड हो सकता है, या प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है। प्लांट का कोई भी पार्ट होगा जिसका यूज हम टिश्यू कल्चर में करते हैं, उसे बेटा आप बोलते हो एक्सप्लांट। एक्सप्लांट आपने ले लिया, एक्सप्लांट को आप क्या करोगे, आप कल्चर करने जा रहे हो। कल्चर करने का मतलब क्या हुआ, उसे आप किसी न किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में रखोगे। उसे न्यूट्रिएंट मीडियम में रखोगे तो जनरली बेटा जो यूज न्यूट्रिएंट मीडियम होता है वो स्कूप मिलर वाला बेटा न्यूट्रिएंट मीडियम था, क्योंकि टिश्यू कल्चर का यूज उन्होंने बहुत पहले कर रखा था, स्कूप मिलर का था या एगार एगार का मीडियम था। ठीक है, ये हमें, हम लोगों ने बेटा मीडियम लिया, जिस मीडियम में हमें उसको ग्रो कराना है, इसका मतलब है उसमें न्यूट्रिएंट बेटा रिच होना चाहिए। क्लियर इतना। और तीसरा, इससे पहले हमें बेटा चाहिए स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो माइक्रोब तो नहीं है उसमें, तो सबसे पहले बेटा उसे स्टरलाइज करना पड़ेगा। अब स्टरलाइजेशन बेटा दो ढंग से हो सकता है, या तो ड्राई स्टरलाइजेशन होगा, या तो कैसा हो सकता है, वेट हो सकता है। वेट का मतलब कि पर्टिकुलरली हम किसी केमिकल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्कोहल है, इससे बेटा उस जिस कंटेनर में हम रख रहे हैं, जिस टिश्यू को रख रहे हैं, उसे क्या कर दें, स्टरलाइज कर दें। स्टरलाइज का मतलब बेटा क्या होता है, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर माइक्रोब्स को हमें किल कर देना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, उन्हें हम क्या कर दें, किल कर दें। एक काम करेंगे ड्राई वेट में बेटा, या ड्राई में कंडीशन में क्या करेंगे, ड्राई कंडीशन में हम बेटा ड्राई एयर पास कर दें, लाइक द ब्लोअर चला दें जो ड्राई हो, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो कंटेनर, जिस कंटेनर में हम टिश्यू कल्चर करने जा रहे हैं, वो कंटेनर क्या हो जाएगा, वो कंटेनर स्टरलाइज हो जाएगा। टिश्यू कल्चर में बेटा फिर से सुन लो मुझे,
टिश्यू कल्चर में सबसे पहले हमें टिश्यू चाहिए, जो भी पार्ट टिश्यू का होगा, चाहे मेरिस्टमेटिक टिश्यू हो, चाहे एक्सिलरी बड हो, चाहे शूट टिप हो, चाहे रूट टिप हो, मतलब जो भी चीज़ हम लेंगे उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट। ठीक है, उस एक्स प्लांट का हम कल्चर कराएंगे। अगर हम कल्चर कराएंगे तो बेटा हम उसे न्यूट्रिएंट मीडियम भी देंगे। जब हम वो न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे तो न्यूट्रिएंट मीडियम लाइक द एगार-एगार का मीडियम होगा, स्कूग मिलर का बेटा जो मीडियम था, स्कूग मीडियम इसको बोलते हैं, ये हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन प्रोवाइड कराने से पहले हमें कंटेनर को, मीडियम को और उस पर्टिकुलर टिश्यू को स्टरलाइज कराना पड़ेगा, स्टरलाइजेशन कराना पड़ेगा उसके, जिसके कारण इन्फेक्शन ना होने पाए, माइक्रोब्स को किल करना पड़ेगा। तो हम माइक्रोब्स को किल करने का दो तरीका ढूंढते हैं। पहला तरीका ढूंढते हैं, या तो किसी केमिकल से उसे क्या कर दें, धुल दें, या तो बेटा उसे हम लोग सुखा दें, जिससे माइक्रोब क्या हो जाएगा, तेज़ी से निकल जाएगा। अब आप करते क्या हैं, जब कोई प्लांट आप बेटा एक कोई प्लांट लेते हैं, जो भी हिस्सा प्लांट का लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट का क्या करना चाहिए ना? अब एक्स प्लांट से अगर हम बेटा लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स बना दें, लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स बना दें, तो इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। अगर वो प्लांट सारे बनने वाले प्लांट एक जैसे हैं, सारे एक जैसे जेनेटिकली सिमिलर हैं, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोन। क्या कहता है? सोमा क्लोन। अगर सोमा क्लोन में हम म्यूटाजेन डाल दें, म्यूटाजेन का मतलब बेटा म्यूटेशन करा दें, वेरिएशन करा दें, तो उसको बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्या कहलाएगा? सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो बेटा छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, आइए डिस्कस करते हैं हम आपसे। अ टेक्निक टू ग्रोइंग प्लांट या टिश्यू ऑर्गन इन अ स्टरलाइज कल्चर। स्टरलाइज कल्चर का मीनिंग आपको समझ आ चुका होगा, मीडियम अंडर कंट्रोल एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन का मीनिंग जानते हो ना बेटा? कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आप फिनाल होता है, फिनाल क्यों डाला जाता है? जैसे आपने फर्श पर फर्श को साफ करते हैं तो फिनाइल से साफ करते हैं, तो फिनाइल से क्यों साफ करते हैं? क्योंकि वो क्या होता है, आप बोलते हो ना एंटीसेप्टिक है, मतलब कि माइक्रोब्स को किल करने वाला है। यहाँ पर क्या टर्म है? एसेप्टिक। ए का मतलब क्या? एकदम ग्रो ही ना करे। क्लियर है ये? चलो, द एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल्स या एक्सप्लांट इज कॉल्ड द बेटा टोटिपोटेंसी। तो बेटा आप एक बेसिक कंसेप्ट जान लो और अच्छे से जान लो कि पूरा का पूरा टिश्यू कल्चर टोटिपोटेंसी पर बेस्ड होता है। अब आप कहोगे सर ये टोटिपोटेंसी क्या होता है? टोटिपोटेंसी का मतलब होता है ऐसा सेल्स, ऐसे ऑर्गन या ऐसे पार्ट ऑफ द प्लांट जिसमें ये एबिलिटी है नए प्लांट को बनाने की, वही कहलाएगा क्या? टोटिपोटेंसी। बेटा यहाँ पर एबिलिटी टू जनरेट अ होल प्लांट, अगर उसके अंदर एबिलिटी है पूरे प्लांट बनाने की या किसी सेल से या एक्सप्लांट से, इज कॉल्ड द टोटिपोटेंसी। एक्सप्लांट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टराइल न्यूट्रिएंट मीडियम। मतलब बेटा जैसे हम लोगों ने एक प्लांट लिया, इसमें ये पार्ट, ये शूट टिप का पार्ट है, यहाँ पर बेटा ये लीव्स हो गई, ठीक है ना, ये लीव्स हो गई, ये रूट वाला पार्ट हो गया, मतलब कोई भी पार्ट जैसे हमने इसको ले लिया, तो ये पार्ट कहलाएगा बेटा क्या? एक्सप्लांट। एनी पार्ट ऑफ प्लांट दैट आर यूज इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट दैट आर यूज इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। और एक्सप्लांट का जो बेसिस है वो कौन सा बेसिस है? टोटिपोटेंसी। मैंने बेटा दो वर्ड यूज किया, टिश्यू कल्चर, तो आपको समझ में आ गया होगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू का मतलब क्या करना है? टिश्यू को लेना है, निकालना है, उसका कल्चर कराना है, न्यूट्रिएंट मीडियम में कराना, लेकिन स्टरलाइजेशन करने के बाद। ये यही चीज़ें बेटा इसमें लिखाया गया है। न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड द बेटा कार्बन सोर्स। न्यूट्रिएंट मीडियम का काम क्या होगा बेटा? कार्बन होगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, इनऑर्गेनिक प्रोवाइड कराएगा, मिनरल प्रोवाइड कराएगा, अमीनो एसिड प्रोवाइड कराएगा, ये सब क्या होंगे? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगे। न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स सच एज द बेटा सुक्रोज हो सकता है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, विटामिन है, अमीनो एसिड है, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक द ऑक्सिनर साइटोकाइनिन। बट यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी वर्ड यूज किया गया है, लाइक द कौन?
ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। क्यों? क्योंकि बेटा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन से हम लोग रूट और स्टेम का फॉर्मेशन कराएंगे आगे के प्रोसेस में। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ द प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट टर्म, बेटा मैंने यही बोला आपसे कि द मेथड ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ द प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम थ्रू द टिश्यू इज कॉल्ड द बेटा माइक्रो प्रोपोगेशन। अगर हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं तो माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में या बहुत शॉर्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेटा प्लांट बनाना, ये कहलाएगा माइक्रो प्रोपोगेशन। दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली बेटा आइडेंटिकल इज ओरिजिनल प्लांट, आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, दे आर कॉल्ड बेटा सोमाक्लोन्स। मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि सोमाक्लोन क्या होता है। आइए बेटा हम इस मैकेनिज्म को छोटे से प्रोसेस से समझा देते हैं। हम लोगों ने एक बेटा क्या लिया, बीकर लिया, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में एक्स प्लांट को बेटा ये क्या कर दिया गया, यहाँ पर हमने लाइगेट कर दिया एक्स प्लांट को, और ये पार्ट हो गया न्यूट्रिएंट मीडियम। थोड़ा सा बेटा समझने की कोशिश करना, और इसे कॉटन के द्वारा या बेटा इसको ढक दिया गया, स्टॉपर से ढक दिया गया, जिससे बाहर से कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। न्यूट्रिएंट मीडियम ले लिया, ये एक्स प्लांट का पार्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एक्स प्लांट है इसमें बेटा देखिए धीरे 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 अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द टिश्यू बनेगा, यही आगे चल करके इसमें ग्रोथ हो जाएगा, जिसको कहते हैं कैलस। क्या बोलेंगे, कैलस। थोड़ा बेटा ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा, कैलस। कैलस वर्ड आप बहुत पहले सुन चुके हो, कैलस का मतलब होता है अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द टिश्यू। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब बेटा ये हुआ अभी ये स्पेसिफिक नहीं हुआ है, अभी इसमें कोई चेंज स्पेसिफिसिटी नहीं आई है, क्लियर। ये बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, फ्रेजाइल का मतलब बेटा समझते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह ये था, जब न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह वगैरह था तो अब ये इसका यूज करेगा, ये एसकेटी प्रोडक्ट बनाएगा। बेटा न्यूट्रिएंट का यूज करेगा ना टिश्यू, जब न्यूट्रिएंट का यूज करेगा तो क्या एसकेटी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, एसकेटी प्रोडक्ट भी तो बनाएगा बेटा, वो एसकेटी प्रोडक्ट बनाएगा। न्यूट्रिएंट का अमाउंट कम होता जाएगा, एसकेटी प्रोडक्ट ज़्यादा बनते जाएंगे। अब इसे हम निकाल करके यहाँ से बेटा इसे निकाल करके दूसरे बीकर में रखते हैं, कहाँ पर रखेंगे, दूसरे बीकर में लेके चलते हैं। जब बेटा इसको दूसरे बीकर में लेके चलेंगे तो ये टर्म कहलाएगा सब कल्चर। क्या कहलाएगा, सब कल्चर। छोटे छोटे टर्मोलॉजी हैं बेटा, इसको आप समझ लो और अच्छे से जानते रहो। कैलस बनाया, फिर ये कहाँ लेके गए, इसका हम लोगों ने क्या कराया, सब कल्चर। सब कल्चर का मतलब फ्रेश बीकर में इसे डेवलप कराना है। अब बेटा आप मुझे बताएं इसके बाद इसमें होना क्या है, इसके बाद इसमें होना है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब बेटा आपको पता होगा आर्गन, आर्गन का बनना। अब ये जो ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द टिश्यू था बेटा, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द टिश्यू था, अब इनमें डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाएगा, कुछ बेटा स्टेम का पार्ट बनेगा और कुछ बेटा क्या बनेगा, रूट का पार्ट बनेगा। तो जब स्टेम का पार्ट बनता है, स्टेम बनता है तो उसको बोलते हैं कालोजेनेसिस। कालो का मतलब बेटा स्टेम फॉर्मेशन, और दूसरा बेटा ये होता है राइजोजेनेसिस। राइजोजेनेसिस का मतलब क्या बनाना, रूट का फॉर्मेशन करना। अब ये यहाँ पर देखिए, आपने अभी क्या लिया था, ग्रोथ प्रमोटर लिया था। ग्रोथ प्रमोटर कौन से होते हैं बेटा, ऑक्सिन था और साइटोकाइनिन था। अगर एक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बेटा हम बढ़ा दें साइटोकाइनिन से तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर रूट का फॉर्मेशन तेज़ी से होगा। अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ऑक्सिन से बढ़ा दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टेम का फॉर्मेशन होगा, और इस फेनोमेना को बेटा हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो इसी को बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। मतलब बेटा इस प्लांट में अब देखो इससे क्या बन गया, ये अब इसमें आपके पास दो रास्ते हैं। अब ये जितने भी प्लांट बेटा बनेंगे, क्योंकि टिश्यू तो वही है ना, जितने भी प्लांट बनेंगे सब एक जैसे बनेंगे। जब बेटा एक जैसे होते हैं तो इसको बोलते हैं सोमा क्लोन, सोमा क्लोन। बट बेटा अगर हम यहीं पर म्यूटाजेन इंट्रोड्यूस कर दें, क्या इंट्रोड्यूस कर दें, म्यूटाजेन। मान लो हम बेटा म्यूटेशन की रेज डाल दिया, गामा रेज डाल दिया,
तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी वेरिएशन आएगा उसको बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्या बोलेंगे? सोमा क्लोनल वेरिएशन। बेटा देखो, जब एक जैसा कुछ होता है, एक जैसा कुछ होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। जब एक जैसा कुछ होता है तो उसको बोलते हैं क्लोन। और सोमा, सोमा क्योंकि बेटा ये जेनेटिक सेल आपने नहीं लिया ना, आपने यहाँ पर जो प्लांट लिया था, प्लांट का कौन सा सेल लिया था? सोमैटिक सेल लिया था, इसलिए इसको बोलते हैं सोमा क्लोन्स। क्लियर हो चुके होंगे? चलिए अब बेटा कुछ एग्जांपल इसमें दिए गए हैं। ये एग्जांपल बेटा कहाँ पर यूज किया गया है? टोमेटो बनाना एंड एप्पल बनाने में। ये टोमेटो जिसको हम लोग बेटा माइक्रो प्रोपोगेशन का अगर एग्जांपल कहा जाए, अगर एक वर्ड बेटा आपको याद करने के लिए कहा जाए कि माइक्रो प्रोपोगेशन का एग्जांपल आप मुझे बता दो, तो तीन एग्जांपल है जिसको आप बोलते हैं बैट। बैट का मतलब बेटा ये हो गया बनाना, एप्पल एंड टोमेटो। ये तीन एग्जांपल हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के। तो बेटा तीन एग्जांपल दिया भी गया है इसमें। चल इतना तो क्लियर हो चुके होंगे। सोमा क्लोनल किसे कहेंगे? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बना बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बेटा टिश्यू कल्चर आल्सो यूज फॉर द रिकवरिंग ऑफ द बेटा क्या हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम द डिजीज प्लांट्स इज द मेरिस्टेम्स। इट विल बी फ्री ऑफ द वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट्स इज रिमूव्ड एंड ग्रोन इन विट्रो कंडीशन ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। साइंटिस्ट हैव कल्चर मेरिस्टेम टू बनाना शुगर कैन एंड पोटैटो। बेटा ये देख ले, अब ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी बिना बताए। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि वायरस फ्री प्लांट हम किससे बनाएंगे, तो आंसर आपका होता है मेरिस्टमेटिक कल्चर। अब मेरिस्टमेटिक कल्चर है क्या, अब मैं बेटा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस लाइन को तभी समझ पाएंगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो आप बड़े ध्यान से देखो, हमें टिश्यू कल्चर कराना है। यहां पर एक वर्ड है बेटा रिकवरिंग ऑफ द हेल्दी, रिकवरिंग ऑफ द बेटा क्या हो जाएगा हेल्दी रिकवरिंग ऑफ द हेल्दी प्लांट्स। बेटा ये समझ में आना चाहिए आपको आज और अच्छे से। अब देखो मैंने ये एक प्लांट ले लिया, इस पर बेटा ये मेरिस्टेम्स हो जाएंगे, शूट एपिकल होगा या एक्जलरी बर्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा? एक्जलरी बर्ड होगा। ये बेटा पार्ट किसका है? रूट का है। यहाँ पर क्या पाई जा रही है? लीव्स पाई जा रही हैं। और ये लीव्स बेटा ध्यान से सुन, ये लीव्स जो पार्ट हैं ये वायरस इन्फेक्टेड हैं। अब इन्फेक्शन बेटा धीरे धीरे प्लांट में फैलता जा रहा है, ये सब वायरस इन्फेक्टेड द्वारा लीव्स हैं, यहाँ तक पहुँच चुका है। ये टिप का पार्ट है, टिप का पार्ट का मतलब बेटा हम लोग ये एपिकल मेरिस्टेम कह सकते हैं या बेटा ये एक्जलरी बड कर सकते हैं। इसे क्या करें हम, इसको बेटा आइसोलेट करें एज अ क्या एक्स प्लांट। अगर हम ये देखो वायरस इन्फेक्टेड सेल है या सॉरी वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, ये समझ में आएगा आपको। वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, इसका जो टिप का पार्ट है अभी बेटा वायरस देखिए, कोई भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन फैलने में थोड़ा टाइम लेगा। जैसे जैसे अब पुराना प्लांट पार्ट है ये तो बड़ा जल्द इन्फेक्ट हो चुका है, इन्फेक्शन आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर यही इन्फेक्शन होने से पहले ही हम इसको क्या कर दें, इसके एपिकल पार्ट को यहाँ से हटा दें या इसके एक्जलरी पार्ट को हटा दें, एज अ क्या यूज कर लें एक्स प्लांट यूज कर लें, तो ये यहाँ पर अगर बड़ा एज अ एक्स प्लांट यूज कर लें हम, तो इसका क्या करेंगे टिश्यू कल्चर करेंगे, माइक्रो प्रोपोगेशन करेंगे। जब ये माइक्रो प्रोपोगेशन या बेटा टिश्यू कल्चर करेंगे तो यहाँ से क्या बना लेंगे, न्यू प्लांट बना लेंगे। तो हमें बेटा क्या करना था, अगर हम यहाँ से न्यू प्लांट बना लिया तो जो कि वो प्लांट वायरस बेटा क्या हो जाएगा, वायरस फ्री हो जाएगा। ये प्लांट बेटा क्या हो जाएगा, वायरस फ्री है। लेकिन ये बेटा ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा के लिए वायरस फ्री हो गया, ऐसा नहीं है। आपने क्या किया, इस लाइन को ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी वाले ने बहुत अच्छी बड़ा लाइन लिखी गई है। टिश्यू कल्चर आल्सो यूज फॉर रिकवरिंग हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम बड़ा डिजीज प्लांट। इस लाइन का मीनिंग, ये डिजीज प्लांट है
इससे आपने कौन सा प्लांट बना दिया, ये प्लांट खत्म होने वाला था, वायरस इसको खा जाने वाला था, बट बेटा उससे क्या बनाया गया, उससे बनाया गया न्यू प्लांट बनाया गया। कैसे बनाया गया ये आपके सामने है, क्या एक्सप्लांट ले लिया, इस एक्सप्लांट से हम नया प्लांट बना लिए हैं, तो ये प्लांट वायरस फ्री हो गया, ये प्लांट क्या हो गया वायरस फ्री। लेकिन ये कैसा प्लांट था, कैसा प्लांट था भाई, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट था, इस वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से हमने वायरस फ्री प्लांट बना लिया। ठीक है, ये टिशू कल्चर का ही तो कमाल है, टिशू कल्चर इज आल्सो यूज फॉर मेरिस्टेम, इट विल बी फ्री ऑफ द क्या वायरस। बेटा ये किससे फ्री होता है, वायरस फ्री होता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट इज रिमूव्ड एंड ग्रोन इन द इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो का मतलब बेटा आर्टिफिशियल कंडीशन में ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स, हम लोगों ने बेटा वायरस फ्री प्लांट बना लिया, साइंटिस्ट हैव द कल्चर्ड मेरिस्टेम आप बेटा बनाना शुगर केन एंड पोटैटो, जिसको बेटा अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरिस्टेम कल्चर का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मेरिस्टेम कल्चर का बेटा अगर हम लोग एग्जाम्पल दिया जाए, तो यहाँ पर एक पार्टी है बेटा, राजनीतिक पार्टी है, उसका नाम है BSP, और आपको पता है कि इसके जो सुप्रीम हैं वो कौन है, कौन है आपको सबको पता है, मायावती जी हैं। बड़ा यहाँ पर M से क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक कल्चर, और मेरिस्टेमेटिक कल्चर का तीन एग्जांपल है कौन सा, BSP का मतलब क्या हो गया, बनाना शुगर केन एंड पोटैटो। ये हमने बड़ा कौन सा पार्ट कंप्लीट किया, टिश्यू कल्चर का, रिकवरिंग ऑफ द हेल्दी प्लांट्स, और इसमें बड़ा एक और दिया गया है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं उसको आपको समझाने चल रहा हूँ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को। बड़ा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ये फिगर भी है, इस फिगर से भी मैं समझा दे रहा हूँ, एक छोटा सा बड़ा मैं अपने ढंग से फिगर बना करके इसको समझा रहा हूँ आपको। फ्यूजन ऑफ द बेटा प्रोटोप्लास्ट, ये चीज यहाँ पर एक वर्ड है प्रोटोप्लास्ट, ये बेटा ये प्रोटोप्लास्ट है कि प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लास्ट है तो बेटा प्लाज्म क्यों नहीं है, अब प्लाज्म है तो प्लास्ट क्यों है, ये समझ में नहीं आता है बच्चों को, थोड़ा सा ध्यान से कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया वो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, लोग कहते क्या हैं कि प्रोटोप्लास्ट ही प्रोटोप्लाज्म है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको ध्यान से सुनो। बड़ा एक फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एक हमने यहाँ पर लिया टोमेटो का प्लांट या सीड लिया, बेटा इस पर उसका अपना सेल वॉल होगा, उसका अपना न्यूक्लियस होगा। मैंने दूसरा लिया, ये ले लिया बेटा पोटैटो का, ठीक है, इस पर अपना न्यूक्लियस होगा, इसका इस पर सेल वॉल होगा, होना चाहिए। बेटा हम सबसे पहले इन दोनों के सेल वॉल को हटाएंगे, जब दोनों के सेल वॉल को हटाते हैं तो यहाँ पर सेल वॉल को बेटा रिमूव करने वाला एंजाइम कौन होगा, सेलुलेज होगा या पेक्टिनेज होगा या लाइएज होगा। बेटा हम जब सेल वॉल को हटा देंगे तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये न्यूक्लियस है, अब ये इसके बाहर केवल और केवल प्रोटेक्टिव लेयर बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, क्या हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल, एक कंसेप्ट ध्यान से सुनो और अच्छे से सुनना, सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट, क्या कहलाएगा, सेल में से, किसी सेल में से अगर बेटा हम सेल वॉल को हटा दें तो ये कहलाएगा क्या, प्रोटोप्लास्ट। अब हमें क्या करना है, इसका फ्यूजन कराना है, क्योंकि बेटा फ्यूजन कराएंगे तो इसके लिए फ्यूजन कराने के लिए एंजाइम भी चाहिए, तो जो जिस एंजाइम का हम बेटा यूज करेंगे उसका नाम है PEG, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, पूरा नाम है बेटा पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब बेटा इसका फ्यूजन कराएंगे तो एक याद रखना कि बेटा प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया बेटा, लेकिन न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुआ, केवल और केवल क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म ही फ्यूज हुआ, न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुआ। अगर न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हो रहा है, केवल और केवल बेटा प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन है, तो बेटा क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कह सकते हो, ये जो बना इसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, जब बेटा इस टाइप का एक टर्म आता है
इसको बोलते हैं साइब्रिड, हाइब्रिड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साइब्रिड। साइब्रिड क्या होता है बेटा? साइब्रिड का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म या फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ये कहलाएगा साइब्रिड। बट न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होती है। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें हाइब्रिड बनाना है, मतलब न्यूक्लियाई फ्यूज करना है, तो इसके लिए बेटा फिर से यहाँ पर फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस बेटा दोनों का है। किसका न्यूक्लियस है? टोमेटो का न्यूक्लियस है, पोटैटो का न्यूक्लियस है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल किसका है? दोनों का जेनेटिक मटेरियल है। दोनों का मतलब किसका? पोटैटो का और टोमेटो का। और क्योंकि बेटा आपने यहाँ पर जेनेटिक सेल यूज नहीं किया है, यहाँ पर जो सेल यूज किया है वो कौन सा? सोमैटिक सेल यूज किया गया है। और कौन सा प्रोसेस बेटा यहाँ पर कहलाया? हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से क्या बनेगा? हाइब्रिड। तो ये कहलाएगा प्रोसेस, कहलाएगा क्या? ये प्रोसेस कहलाएगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल बेटा आपके सामने है। इसके दोनों को जब मिला देते हैं तो बेटा यहाँ पर नया जो प्लांट बनता है उसको बोलते हैं पोमैटो। क्या बनता है? पोमैटो। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, फिर भी बेटा एक होप तो डेवलप हुआ कि हाँ हम ऐसा कल्चर कर सकते हैं। जैसे रेडिश बेटा, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, रेडिश है, मूली है और ब्रैसिका है, जिसको हम लोग बोलते हैं रफेनो ब्रैसिका, जिसको बेटा आप अगर हिंदी में बोलें तो बोलते हैं रैबेज। क्या बोलते हैं? रैबेज। रैबेज का मतलब बेटा ये हुआ, रेडिश और कैबेज को मिला करके क्या बनाते हैं? रैबेज। उसमें भी यही काम करना है। तो इससे हमें सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का बेटा एग्जांपल जो बुक में लिखा गया उसको आप देख लो। चलो बेटा, इट कैन बी ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड द सोमैटिक हाइब्रिड। प्रोटोप्लास्ट कैन बी आइसोलेटेड आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। तो बेटा प्रोटोप्लास्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? किसके? सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। और इसका बड़ा एग्जांपल आपके सामने बनाए गए हैं। ये देखो, ये है ऊपर से तो आलू, नीचे बेटा यहाँ पर क्या है? इसके अंदर टमाटो है, ठीक है। यहाँ पर आप बेटा इस प्लांट को देख सकते हो, तो प्लांट ऊपर क्या बेटा पोटैटो बन रहा है, टमाटो बन रहा है, बाहर की ओर क्या बन रहा है? अंदर की ओर जड़ पर पोटैटो बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इन्होंने देखो एक्सप्लेन कर रखा है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ द पोटैटो एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द टोमेटो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? पोमैटो। दिस हाइब्रिड प्लांट हैज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द टोमेटो एंड पोटैटो बट इट हैज नो ऑल डिजायरेबल करेक्टर फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। ये बेटा इसकी लिमिटेशन थी, हम लोग इसका कमर्शियल यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अगले जैसे ही इसकी बेटा बुआई होती है ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। सेग्रीगेट का मतलब बेटा न्यूक्लियाई कुछ समय के लिए कंप्रोमाइज किया था। जैसे ही आप इसको सॉइल में लेके जाएंगे, दोनों जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे और ये लंबे समय तक बेटा एक साथ नहीं रह सकते हैं, यही इसकी लिमिटेशन है। तो ये चैप्टर बेटा आपका फिनिश हो चुका है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आप इसको देखिएगा और जो भी डाउट होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का बेटा डाउट होगा, आप उसको डिस्कस करिएगा और कोशिश करिएगा, अपने दोस्तों को बताते ज़रूर रहिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट जो क्लास, नेक्स्ट सक्सेसिव क्लास जो होगी कल, तो आप इसको देख लीजिए, नेक्स्ट इसको आज आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास बेटा जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी और इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी जो इससे बेटा स्टडी करेंगे, तो पहले एवोल्यूशन का चैप्टर स्टडी करेंगे, या तो फिर अगर इवोल्यूशन नहीं स्टार्ट करेंगे तो इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, दो में से कोई एक बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बेस पर हम लोग चल रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा केवल और केवल एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाए। जब जैसे ही कोचिंग ओपन होगी आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।